वाराणसी में बाइकाथन के 12वें सीजन का आयोजन किया जा रहा है, जहां सिग्रा स्टेडियम में भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाइकाथन के जरिए फिटनेस का संदेश दिया जा रहा है। आइए आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी वहां पर मौजूद हैं। सुशांत, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जागरण बाइकाथन की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर 12th सीजन की शुरुआत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी के जो जिला अधिकारी है वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो साइकिल लेकर के जो प्रतिभागी हैं इसके यहाँ पर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में इनकी तादाद है और सभी एक ही संदेश दे रहे हैं कि साइकिल चलाए, पर्यावरण को स्वच्छ रखे, बीमारी को दूर भगाए। तो इस रैली के माध्यम से संदेश साफ है कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है और किस तरीके से जो पर्यावरण को दूषित हो रहा है उसे बचाना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर वर्ग यहां पर शामिल है, जहां एनडीआरएफ के जवान है, स्कूल के जो छात्र हैं वो हैं, इसके अलावा अलग अलग कंपनी से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हर वर्ग, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, महिलाएँ हो, पुरुष हो, हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी साइकिल लेकर के यहाँ पर सवारी कर रहा है। हम चलते हैं सीधे कुछ लोगों के पास। हमारे साथ नीलू मिश्रा जी हैं। नीलू जी, आप अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, साइकिल कितनी जरूरी है यहाँ पर? साइकिल एक हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, दैनिक दिनचर्या में प्रदूषण कम करने के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए साइकिल हमारे जीवन का साथी होना चाहिए। और हम कम से कम 5 किलोमीटर तक किसी काम के लिए जाते हैं तो व्हीकल का प्रयोग ना करें, साइकिल से चलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण बचाएंगे। स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण बचाएंगे, कितना जरूरी है साइकिल आज के लिए। साथ में कैंसर के लिए प्रोटेक्ट भी करता है ये साइकिल, इससे कैंसर से बचाव भी होता है। महिलाएं अगर साइकिल डेली दिनचर्या में कर रही हैं तो वो कैंसर से बच भी सकती हैं आगे के लिए। हर बीमारी से साइकिल बचाता है। और अब फ्लैग ऑफ होने की बारी है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो जिलाधिकारी है वाराणसी के, वो अब फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। यहाँ पर फ्लैग ऑफ की शुरुआत होने वाली है। जो ये साइकिल रैली है ये वाराणसी में के अलग अलग इलाकों से होती हुई फिर वाराणसी के इसी सिग्रा स्टेडियम में वापस आएगी और यहाँ पर एक कार्यक्रम भी होगा जहाँ पर साइकिल रैली में जो प्रतिभागी है उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। और ये जो मुहिम है इसके माध्यम से जो बीमारियाँ फैल रही है आज, उस बीमारियों को दूर भगाने का, अपने आप को फिट रखने का सबसे बेहतरीन जो उपाय है वो साइकिल है। और इसी के बारे में जिलाधिकारी बताते हुए, और अब जो है समय हो गया है फ्लैग ऑफ होने का, क्योंकि काफ़ी देर से जो प्रतिभागी है वो इंतजार कर रहे हैं कि फ्लैग ऑफ हो ताकि वो अपने अपने साइकिल को लेकर के आगे निकल सके। तो फिलहाल वाराणसी का सिग्रा स्टेडियम का इलाका जो अब फ्लैग ऑफ के साथ साथ ये जो बाइकाथन रैली है वो आगे बढ़ेगी। 12th सीजन है, 10 सालों से लगातार कोशिश है कि साइकिल के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जब से बाइक्स आई हैं, गाड़ियां आई हैं, तो लोग कहीं ना कहीं से उस पर डिपेंड हो गए हैं। तो साइकिल के माध्यम से अपना सफ़र भी तय कर सकते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को फिट भी कर सकते हैं। तो इस जो मुहिम का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो फिलहाल वाराणसी में साइकिल रैली की शुरुआत हो रही है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जो झंडी दिखाई जाएगी और झंडी दिखाने के साथ साथ इस रैली का शुरुआत हो रहा है। ये तस्वीरों में देखिए कि अब जो ये जो बाइकाथन की रैली की जो है आधिकारिक शुरुआत यहाँ से हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा है और बाइकाथन की, जागरण बाइकाथन की रैली जो है वो अब यहाँ से शुरू हो रही है। और ये जो जिलाधिकारी ने झंडी दिखाई है और इसके साथ ही जो साइकिल रैली है वो यहाँ से शुरू हो रही है। बाइकाथन की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो रही है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वाराणसी में 12th सीजन जो है बाइकाथन की रैली का वो शुरुआत हो रहा है। न्यूज़ स्टेट लगातार इस तस्वीर को आपको लाइव दिखा रहा है कि यहाँ से आप बाइक रैली किस तरीके से जो आगे बढ़ रही है साइकिल को लेकर के। बाइकाथन नाम दिया गया है इसको, साइकिल लेकर के लोग अपने अपने साइकिलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस संदेश को देते हुए कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, हम अपने आप को फिट रखें। तो जागरण बाइकाथन रैली की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और न्यूज़ स्टेट पर इसका सीधा प्रसारण जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों सुशांत, लोगों में इसको लेकर कैसा रिस्पांस है? साइकिल के प्रति जो उत्साह है, जो
देखिए लोग ये मानते हैं कि साइकिल अगर हम चलाएंगे तो ना सिर्फ अपने आप को फिट रखेंगे बल्कि पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाएंगे। तो साइकिल का जो एक हमारे जीवन में हिस्सा है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि किसी भी वर्ग के लिए साइकिल चलाना एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज के रूप में माना जाता है। और ये शुरू हो गई है बाइकेथन की रैली, आप देख सकते हैं अपने अपने साइकिलों के साथ किस तरीके से जोश से लवरेज पूरे जो यहाँ पर प्रतिभागी है वो दिखाई दे रहे हैं, हर वर्ग दिखाई दे रहा है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, हर एक वर्ग में जो उत्साह है वो साफ साफ यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अब बात करेंगे जो जिलाधिकारी सर, बिल्कुल सुशांत, और लोगों में भी इसको लेकर उत्साह साफ देखा जा रहा है। जो एथलीट है इंटरनेशनल लेवल के वो भी यही संदेश दे रहे हैं लोगों को कि लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, और समय समय पर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, उत्तराखंड सरकार के मंत्री हो, या कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हो, साइकिल के जरिए संसद या विधानसभा जाकर या अपने कुछ जरूरी कामों को साइकिल के जरिए निपटाकर ये संदेश देने की कोशिश भी करते हैं कि अगर आप साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण को भी बचाते हैं और फिटनेस के लिए भी साइकिल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका सुशांत, जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।